मानसी मिश्रा। लिफाफे पे ये नाम पढ़कर कितना अच्छा लगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या खास है, नाम ही तो है। आपके लिए सिर्फ नाम होगा, मेरे लिए मेरा अस्तित्व है। इस पर मोंटू गुड्डू की मम्मी या फिर मिसेस मिश्रा नहीं लिखा है, मेरा पूरा नाम लिखा है, मानसी मिश्रा। कोई है जो मुझे इस नाम से जानता है और जिसने ये लिफाफा भेजा है। सच कहूं तो मैं इसी लिफाफे का इंतजार कर रही थी। मैं लिफाफा खोलती हूं और उसमें से खत निकालकर पढ़ती हूं, एक बार, दोबारा, फिर एक बार और जब मुझे ये यकीन आ जाता है कि इसमें लिखा हुआ मेरी कोई कल्पना नहीं, सच है, तो मैं उसे वापस तह करके लिफाफे में अंदर डाल देती हूँ। देखती हूँ कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, आंखें भी नम है शायद, सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। और इस सब के बीच में दिल जो है वो उछल कूद में लगा हुआ है, एकदम बच्चों सा। दरअसल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में अर्जी भेजी थी, वहीं से आया ये खत। कह रहे हैं मेरी अर्जी मंजूर कर ली गई है, मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखते हुए। बस कॉलेज अटेंड करना होगा, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। और ये पढ़ते ही दिल के कॉन्ट्रास्ट में ये जो दिमाग है ना, ये तुरंत ही जोड़ तोड़ में लग जाता है कि ये समय तो इनके ऑफिस जाने का होता है और बच्चे जो हैं वो दोपहर को 12 बजे तक घर आ जाते हैं, फिर उनका खाना, फिर उनकी क्लासेस, कैसे करूंगी मैं ये सब एक साथ। तभी कुकर की सीटी सुनाई पड़ती है। मोंटू ने कहा था आज लंच में छोले खाने हैं। मैं लिफाफा लेती हूँ और उसे तकिए के नीचे रखकर तुरंत किचन की तरफ भागती हूँ। लेकिन दिल जो है वो तो अब तक लिफाफे में ही अटका हुआ है, कहीं छोलों में नमक ज्यादा ना पड़ जाए। खैर, खाना बनते बनते बच्चे आ जाते हैं और फिर उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मोंटू पूरे 2 बार छोले लेता है, इसका मतलब छोलों में नमक बराबर पड़ा है। दोनों में ना एक होड़ सी लगी है कि कौन मुझे अपनी बात पहले बताएगा, ये तो रोज ही होता है, पर आज सब कुछ बहुत खास लग रहा है, एक लिफाफे के आ जाने से। सारे आम पल जो हैं वो बहुत खास हो गए हैं, जैसे देखने का नजरिया बदल गया हो। पता है मेरे दिल में ना एक तराजू सा है जिसमें एक पलड़े पर हैं ऐसे बहुत सारे आम पल जो अब खास हो गए हैं, और दूसरे पलड़े पे है वो लिफाफा। और मैं जानती हूं कि इन पलों की तरफ वो पलड़ा झुक रहा है, मैं महसूस कर सकती हूं। मैं लिफाफा लेती हूं तकिए के नीचे से और उसे अलमारी में रख देती हूँ। फिर शाम होती है, ये आते हैं ऑफिस से, इनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस सब के बीच में अलमारी में रखा वो लिफाफा और भी अंदर धंसता चला जाता है। रात को मैं मोंटू की किताबें पढ़ रही होती हूँ सोने से पहले। आज स्कूल में उसने ऐसे लिखा है, मेरी माँ, इस विषय पर लिखा है, मेरी माँ औरों जैसी नहीं है, एकदम अलग है। पता है आपको, उनके 4-4 हाथ हैं, वो एक साथ इतने सारे काम कर सकती हैं। मुझे और मेरे छोटे भाई गुड्डू को पढ़ाती हैं, साथ में सब्जी काटती हैं, एक साथ खाना बनाते बनाते वहीं रखी अपनी किताब में अपनी कहानी भी लिखती हैं, एक साथ खाना बनने पर टेबल सजाती हैं, खाना परोसती हैं, हमें खिलाती हैं, एक साथ। क्या आप इतने सारे काम कर सकते हैं एक साथ? नहीं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ बहुत अलग है, सबसे अलग, एकदम खास। मैं अब रोने लगी हूँ। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इतने सारे विचार हैं कि लग रहा है किसी से रोक कर पूछूं, बता तो दूं कि हो क्या रहा है। एक सैलाब सा है और मैं बहे चली जा रही हूँ। मैं अलमारी तक जाती हूँ, वहां से लिफाफा निकाल कर उसमें से खत निकाल कर फिर एक बार पढ़ती हूँ। और इस बार पढ़कर अंदर नहीं रखती, कॉपी और पेन उठाती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, सब कुछ एक साथ। कहीं से मोंटू की लिखी लाइन फिर सुनाई पड़ती है,
आपको पता है मेरी माँ औरों जैसी नहीं है, एकदम खास है।